इस वक्त देश में ट्रक ड्राइवर्स और सरकार के बीच में ठनी हुई है। ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं और देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की जबरदस्त किल्लत हो गई है। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइन लगी हैं और ट्रक ड्राइवर्स सरकार से हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन कानून पास किया। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद ये कानून बन गया और अब ये भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून भी बन चुका है। हालांकि इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का देश भर में विरोध हो रहा है। हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर्स जो हैं वो एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाते हैं और हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। सजा के साथ जुर्माना भी भरने का प्रावधान है, यानी इसको काफ़ी सख्त कर दिया गया है। नए कानून में ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले प्रावधान को लेकर ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है हिट एंड रन का नया कानून। हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ ये है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई, घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है तो ऐसे केस को हिट एंड रन में गिना जाता है। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है, लेकिन इलाज नहीं मिल पाता, इसलिए सालाना 50,000 से ज़्यादा लोगों की इस तरह से मौत हो जाती है। और इसलिए ये जो लोग हैं वो गिरफ्तारी के डर से या हिंसक भीड़ को देखते हुए अक्सर ड्राइवर जो हैं वो हादसे के तुरंत बाद वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं, ये अक्सर देखने को मिलता है। इसे ही हिट एंड रन केस कहा जाता है। लेकिन अब नए कानून के हिसाब से कोई हादसे के बाद भागा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। नए कानून में ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई का विरोध। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून में जो नए प्रावधान हैं उसके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार होता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस कड़े प्रावधान का देश भर के ट्रक ड्राइवर्स, ट्रेलर बस और जो सरकारी बसें हैं, लोक परिवहन और टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस पर एक बड़ा बवाल शुरू हो गया है। इस नए कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और कई हाईवे को जाम कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इतने सख्त प्रावधान क्यों जोड़े? दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल देश में 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। हादसे के बाद अगर घायलों को नज़दीकी अस्पताल में पहुँचाया जाए तो उनकी जान बच सकती है, लेकिन ड्राइवर ऐसा नहीं करते। मौतों के इन आंकड़ों को देखते हुए ड्राइवर्स पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी और इसी को देखते हुए नए कानून में सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। ड्राइवरों के लिए आगे कुआं पीछे खाई। नए कानून का विरोध करने वाले ड्राइवर्स का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वे मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा दी जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर वे मौके पर ही रुक जाते हैं तो भीड़ उन पर हमला करके पीट पीट कर मार देगी। ड्राइवर का ये तर्क है कि कई बार ऐसा होता है कि भीड़ हिंसक हो जाती है और उन्हें मॉब लिंचिंग कर देती है, उनको पीट पीट कर बुरी तरह से या तो घायल कर देती है या फिर उनकी मौत हो जाती है। इसलिए ये सीरियस मामला है और वो लोग अक्सर वहाँ से बचने के लिए भाग जाते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं ड्राइवर्स की ड्राइवर्स के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। और ये बात सही भी है कि कई बार उग्र भीड़ जो है वो हिंसक रूप ले लेती है और मामला मॉब लिंचिंग के रूप में बदल जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि सड़क हादसों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और पुलिस को भी सेंसिटाइज किया जाए। लोग जब जागरूक होंगे, पुलिस जब जागरूक होगी तो फिर कुछ बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। पुलिस को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग पुलिस के डर से हादसे वाली जगहों से भागे ना। कई बार पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए लोग भाग खड़े होते हैं, लेकिन अगर पुलिस ऐसे मामलों में बिना घूस लिए, बिना परेशान किए और निष्पक्षता से काम करे तो लोग पुलिस के पास जाने से डरेंगे नहीं, उन्हें फ़ोन करने से डरेंगे नहीं। साथ ही न्याय तंत्र को भी बेहतर बनाया जाए ताकि लोग कोर्ट के चक्कर काटते काटते जवान से बूढ़े ना हो जाएं, कि उनको तारीख पर तारीख मिलती रहे, लंबे केस चलते हैं तो उसको भी बेहतर बनाए जाने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर हिट एंड रन एक गंभीर मामला है। सालाना 50,000 से ज़्यादा मौत होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसलिए इस पर सख्त कानून की ज़रूरत तो है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ट्रक, बस और टैक्सी ड्राइवर्स को भी भरोसे में लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह के टकराव से बचा जा सके। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील।
साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।